हेलो दोस्तों, इंडियन हेल्दी फूड डॉट कॉम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाएंगे वेज पिज़्ज़ा मैक पफ। तो आइए मेरे साथ बनाना शुरू करते हैं। यहाँ मैंने 1.5 कप आटा ले लिया है। अब हम इसमें 1/2 कप मैदा मिक्स कर देंगे। आप चाहे तो खाली आटा या फिर खाली मैदा का भी बना सकते हैं। यहाँ मैंने 1 चम्मच नमक भी इसमें ऐड कर लिया है। अब हम इसमें 2 से 3 चम्मच ऑयल ऐड कर लेंगे। यहाँ मैंने ऑयल ऐड कर लिया है। अब हम इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और मैं हाथ में लेकर इसको बांध लेती हूँ। अगर ये इस तरह से बंध रहा है तो मतलब कि हमारा आटा अच्छे से तैयार हो चुका है। अब हम इसमें ज़रूरत के हिसाब से पानी डालकर इसका एक सॉफ्ट आटा गूंद लेंगे। यह हमारा डो तैयार हो चुका है। अब मैं 10 से 15 मिनट इसे ढककर रख दूँगी। अब हम अपने मैक पफ के लिए स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। यहाँ मैंने एक कढ़ाई में 2 चम्मच ऑयल गरम कर लिया है। अब मैं इसमें 6 से 7 लहसुन की कलियाँ, जो कि मैंने बारीक काट ली थी, वो डाल दूँगी और थोड़ा सा सौते कर लूँगी जिससे इनका कच्चापन निकल जाए। अब मैं इसमें 1 मीडियम साइज़ की प्याज ऐड कर लूँगी। इसे भी मैंने बारीक काट लिया है। हमें प्याज को ज़्यादा भूनना नहीं है, बस ट्रांसपेरेंट होने तक थोड़ा सा इसे फ्राई करेंगे। अब मैं इसमें बारीक कटी हुई शिमला मिर्च ऐड कर लूँगी। अब मैं इसमें ग्रेट किया हुआ अदरक भी ऐड कर लूँगी। अदरक का कच्चापन निकलना है बस। अब मैं इसमें कॉर्न डाल लूँगी। कॉर्न को मैंने बॉईल कर लिया था। अब मैं इसमें टमाटो केचप ऐड कर लूँगी। यहाँ मैंने केचप 2 चम्मच ली है। 1 चम्मच इसमें रेड चिल्ली सॉस ऐड कर ली है और 2 चम्मच मैं इसमें पिज़्ज़ा टॉपिंग ऐड कर लेती हूँ। सबको अच्छे से मिक्स कर लें। सब्जियों को हमें भूनना नहीं है। स्वाद अनुसार नमक इसमें डाल लेते हैं। रेड चिली फ्लेक्स भी इसमें डाल लेते हैं। अब मैं इसमें ऑरिगैनो डाल लेती हूँ और बारीक कुटी हुई काली मिर्च का पाउडर भी मैंने इसमें ऐड कर लिया है। सबको अच्छे से मिक्स कर लें। यहाँ मैंने थोड़ा सा पानी ऐड कर लिया है और इसे ढककर 1-2 मिनट के लिए पका लेंगे। पानी डालने से ये थोड़ा सॉसी हो जाएगा। अब हम इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। ठंडा होने के बाद इसमें मैंने यहाँ चीज़ डाल लिया है। चीज़ डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इतनी स्टफिंग के लिए मैंने 1/2 कप चीज़ लिया था। अब मैं आटे से 1 लोई ले लेती हूँ और इसे बेल लेते हैं। हमें इसे ज़्यादा पतला और ज़्यादा मोटा नहीं बेलना है। अब मैं इसे चारों साइड से काट लूँगी और इसे एक चाकोर शेप दे देती हूँ। आप चाहें तो इसे नाप कर भी काट सकते हैं। अब इस चाकोर शेप को मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर दूंगी। अब इसके बीच में हम स्टफिंग रख देंगे। यहाँ मैंने 2 चम्मच स्टफिंग ले ली है और चारों कोनों में पानी लगा लें और इसे अच्छे से सील कर दें। अच्छे से चिपका लें, नहीं तो ये खुल सकते हैं। अब मैं इसे फोक की मदद से इस पर डिज़ाइन बना दूंगी। एक्स्ट्रा पार्ट को इसके मैं कट कर दूंगी। ये लीजिए, हमारे मैक पफ तैयार हो चुके हैं। अब मीडियम फ्लेम पर हम इन्हें डीप फ्राई कर लेंगे। अब मैं इन्हें पलट देती हूँ और दूसरी साइड से भी इसे सेक लेती हूँ। हमें इन्हें गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेना है। मीडियम फ्लेम पर ही इन्हें फ्राई करें। ये बहुत क्रिस्पी बने हैं दोस्तों। आई होप कि आपको जरूर पसंद आएंगे। आइए अब हम इन्हें निकाल लेते हैं। देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं। अब मैं इन्हें गर्मा गर्म सर्व कर लेती हूँ। दोस्तों, आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे हमारी अगली रेसिपी में।